किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा था। वो दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वो ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वो ब्राह्मण रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वो भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। तो वो ब्राह्मण उस मनुष्य का नाम पूछता है तो वो अपना नाम महाकाल बताता है। वो ब्राह्मण भी सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथी मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी ही देर में महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला कि चलो। फिर वो ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल उस ब्राह्मण से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वो ब्राह्मण सोचने लगा कि ये आदमी जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। अतः वो ब्राह्मण महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वो ब्राह्मण सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होता है। वो ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वो ब्राह्मण फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्य सभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वो ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही रहने के लिए व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को ही वो ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वो ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वो राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली, जिसको सुनकर वो राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाए और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी।
तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता है। उस ब्राह्मण ने अपने बचने के कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम न आया तथा उसकी मृत्यु हो ही गई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।